नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद, मैं हूं फिजा हुसैन और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू मेक योर किचन सेफ एंड एक्सेसिबल इन लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी अपने इस लेसन में आज हम सीखेंगे कि हम अपने किचन को कैसे सेफ और एक्सेसिबल बना सकते हैं और अपनी तमाम किचन एक्टिविटीज़ को सेफली, एफिशिएंटली और ग्रेसफुली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम 10 डिफरेंट इंडिविजुअल से पूछें कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू वो इंडिपेंडेंटली और सेफली अपनी किचन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तो वो 10 के 10 इंडिविजुअल एक ही आंसर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप सेफली अपने किचन में तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। यानी इस रूल को फॉलो करते हुए एवरीथिंग हैज़ इट्स प्लेस एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यानी हर चीज़ की एक जगह हो और हर चीज़ अपनी जगह पे हो तो काम करना आसान और दिलचस्प हो जाता है। किचन में सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें माचिस को तलाश करने में होती है। अगर जल्दबाजी में हम काम करके माचिस कहीं इधर उधर रख दें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हम सिर्फ माचिस ढूंढने में ही ज़ाया कर देते हैं। फिर वही वाला रूल कि हर चीज़ की एक जगह हो और हर चीज़ अपनी जगह पे हो, तो हमें माचिस के लिए वॉल पर कोई स्टैंड लगा लेना चाहिए ताकि हम जब भी माचिस इस्तेमाल करने के बाद वापस माचिस को उसकी जगह पे रख दें। इससे हम टेंशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी नहीं होंगे और हम अपने काम पे भी ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। हम अपने किचन को कैसे सेफ और एक्सेसिबल बना सकते हैं, ये सब डिस्कस करने से पहले हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कुछ किचन लेआउट्स। किस किस टाइप के किचन लेआउट्स होते हैं? टाइप्स ऑफ किचन लेआउट्स: 1. एल शेप किचन, 2. यू शेप किचन, 3. जी शेप किचन, 4. पैरेलल किचन, 5. वन वॉल किचन, 6. आइलैंड किचन। ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट लेआउट्स हैं किचन की, लेकिन अपने इस टॉपिक में हम आपके साथ ऑर्गेनाइज करेंगे एल शेप किचन। यानी हमारा मॉडल किचन एल शेप का है। अब एल शेप को अंडरस्टैंड करते हैं कि एल शेप कैसी होती है। फॉर इंस्टेंस, हमारा एंड्रॉयड मोबाइल है जो कि रेक्टेंगल शेप में होता है। इस मोबाइल को हम कार्डिनल डायरेक्शंस लेबल करके अपनी एल शेप को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर इंस्टेंस, हमारे मोबाइल का टॉप है वेस्ट और बॉटम है ईस्ट। राइट साइड है हमारा नॉर्थ और लेफ्ट साइड है हमारा साउथ। वेस्ट कॉर्नर से ईस्ट कॉर्नर को जो अटैच करती है लाइन साउथ की, वहाँ पर हमारा एक काउंटर टॉप होगा। साउथ कॉर्नर से नॉर्थ कॉर्नर को अटैच करती है जो लाइन ईस्ट की, हमारा वहाँ पे भी एक काउंटर टॉप होगा। यानी वेस्ट कॉर्नर से ईस्ट कॉर्नर तक नॉर्थ की लाइन अटैच करती हुई, नॉर्थ कॉर्नर से साउथ कॉर्नर तक ईस्ट की लाइन अटैच करती हुई एल शेप में आ जाती है। अब हमें अंडरस्टैंड हो गया कि एल शेप कैसी है। अब हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी कि अब हमें अंडरस्टैंड हो गया कि हमारी साउथ वॉल और ईस्ट वॉल पर काउंटर टॉप है और वेस्ट वॉल और नॉर्थ वॉल खाली है। वेस्ट वॉल पे हमारा किचन का एंट्रेंस डोर होगा और नॉर्थ वॉल हमारी खाली होगी। अगर आपका किचन बहुत वाइड है तो आप उसमें आराम से अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेल्फ या कैबिनेट्स लगा के अपनी ज़रूरत का सामान वहाँ रख सकते हैं, या फिर आप फ्रिज या फिर डिवाइडर भी वहाँ पे रख सकते हैं। आइए अब अपने एल शेप मॉडल किचन को ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे साउथ साइड पर जो काउंटर टॉप है उसके सेंटर में अवन या स्टोव की फिटिंग होती है।
राइट काउंटर टॉप के नीचे भी कैबिनेट्स होते हैं और राइट काउंटर टॉप के ऊपर भी कैबिनेट्स होते हैं। इसी तरह लेफ्ट काउंटर टॉप के नीचे भी कैबिनेट्स होते हैं और लेफ्ट काउंटर टॉप के ऊपर भी कैबिनेट्स होते हैं और सोफ के ऊपर भी कैबिनेट्स होते हैं। अब हमारे पास 6 कैबिनेट्स ऊपर और 6 कैबिनेट्स नीचे आ गए हैं, लेकिन अगर हमारा ओवन फिट है तो हमारे पास 4 कैबिनेट नीचे और 6 कैबिनेट ऊपर आ गए हैं। अब इन 6 कैबिनेट्स को और 4 कैबिनेट्स को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। पहले हम स्टोव का राइट काउंटर टॉप या वर्क टॉप को ऑर्गेनाइज करेंगे। स्टोव के राइट काउंटर टॉप पे जो वॉल है वहाँ पे हम माचिस का स्टैंड लगा सकते हैं और उसके नीचे हम ऑयल और घी के कंटेनर रख सकते हैं। उसके साथ ही हम स्पाइसेस शेल्फ या स्पाइसेस स्टैंड रख सकते हैं। स्पाइसेस शेल्फ और स्टैंड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने लिए स्पाइसेस शेल्फ या स्टैंड सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास जो स्पाइसेस शेल्फ है उसकी 2 रो हैं। टॉप रो पे 3 जार्स रखे जा सकते हैं और बॉटम रो पे 4 जार्स। इन 7 जार्स में मैंने टॉप रो के 3 जार्स में सेंटर में नमक और राइट पे रेड चिली पाउडर और लेफ्ट पे ब्लैक चिली पाउडर रखा है। बॉटम वाली रो में मैंने गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा रखा है। ये तमाम वो स्पाइसेस हैं जो हमारे ट्रेडिशनल खानों में इस्तेमाल होते हैं और इनका इस्तेमाल डेली बेसिस पे हमारी ज़िंदगी में रहता है, इसलिए इनको तलाश करने के लिए हमें बहुत सारा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि स्पाइसेस रैक में कौन सा मसाला कहाँ रखा है, हमें जिस मसाले की ज़रूरत है हमने वो मसाला फ़ौरन से उठाना है, इस्तेमाल करना है और वापस उसकी जगह पर रख देना है। यानी हर चीज़ की एक जगह हो और हर चीज़ अपनी जगह पे हो, तभी हम अपनी एक्टिविटीज़ को सेफ और एक्सेसिबल बना सकते हैं। स्पाइसेस रैक के साथ ही हम रखेंगे स्पून्स कंटेनर या बास्केट्स, यानी ऐसे कंटेनर या बास्केट्स जिसमें हमारे कुकिंग स्पून्स और नाइफ्स आसानी से रखी जा सकती हों और जब भी हमें ज़रूरत पड़े कुकिंग के दौरान किसी भी कुकिंग स्पून को इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमें फ्राइंग करना है या हमें सालन भूनना है या फिर हमें कबाब फ्राई करने हैं, तो हर टाइप के स्पून्स हमारे बिल्कुल सामने हों और हमें उनको ढूंढने में बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करना पड़े। हमारा राइट साइड का काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब इस राइट साइड के नीचे जो कैबिनेट्स हैं हमें उसे ऑर्गेनाइज करना है। हमने राइट साइड का कैबिनेट ऑर्गेनाइज करने का इंतखाब इसलिए किया था कि राइट साइड में हमारे पास बड़ा चूल्हा होता है और बड़े चूल्हे पे हम रोटी, पराठे और सालन वगैरह बआसानी बनाते हैं। इसीलिए हमने अपने एक्सेस में वो तमाम चीज़ें रखी हैं जिससे हम सालन रोटी बआसानी बना सकें। अब हम काउंटर टॉप के नीचे वाले कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये 2 कैबिनेट्स हैं जिसमें एक कैबिनेट में हम आटे का कंटेनर, रोलिंग पिन, रोलिंग बोर्ड यानी चकला और बेलन, आटा गूंदने का परात या थाल और खुश्क आटा यूज़ करने के लिए ट्रे, ये तमाम चीज़ें हम काउंटर टॉप के नीचे वाले कैबिनेट में रखेंगे। इसी के साथ एक और कैबिनेट में हम चावल और चीनी के कंटेनर रख सकते हैं। अब हम राइट काउंटर टॉप के टॉप कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करते हैं। उस कैबिनेट्स में हम ज़्यादातर अपने वो मसाले जो हमारे स्पाइसेस जार में नहीं आ सकते और हमारे ज़रूरत के मसाले हैं वो रख सकते हैं, कॉन्डिमेंट्स रख सकते हैं यानी चिली सॉस, सोया सॉस और इस तरह के तमाम प्रोडक्ट्स हम टॉप कैबिनेट्स में रख सकते हैं और इन कॉन्डिमेंट्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए हम इन्हें कोई भी टैग दे सकते हैं, क्योंकि चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर को आइडेंटिफाई करना एक चैलेंजिंग टास्क है। तो इन चैलेंजेस में उलझने से ज़्यादा अच्छा है कि हम इनको टैग कर लें ताकि ये हमारे लिए एक्सेसिबल बन जाएं। हम चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर को रबर बैंड से भी टैग कर सकते हैं। मसलन चिली सॉस पे हमने 2 रबर बैंड लगा दिए, सोया सॉस पे हमने 1 रबर बैंड लगा दिया और सिरके को हमने खाली छोड़ दिया। इससे हम बआसानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिस पे कोई रबर बैंड नहीं वो विनेगर है, जिस पे 2 रबर बैंड है वो चिली सॉस है और जिस पे 1 रबर बैंड है वो सोया सॉस है। इसी तरह केचप, मायोनीज और चिली गार्लिक सॉस की पैकिंग भी सेम होती है।
विदाउट टेस्ट किए उन्हें आइडेंटिफाई करना भी एक चैलेंजिंग टास्क है। उन्हें भी अगर हम टैग कर दें तो वो हमारे लिए एक्सेसिबल बन सकते हैं। टैग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप एम्बोज स्टिकर्स लगा सकते हैं डिफरेंट शेप के, स्टार, हार्ट शेप, सर्कल शेप। आप खुद डिटरमिन कर लें कि आपने केचप पे स्टार लगाना है, आपने मायोनीज पे सर्कल लगाया है और आपने चिली गार्लिक सॉस पे हार्ट शेप लगाई है। तो इन शेप्स को फौरन से देखते ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पैक में केचप है, कौन से में मायोनीज और कौन से में चिली गार्लिक सॉस। इस तरह हमारे ये कॉन्डिमेंट्स भी एक्सेसिबल बन जाते हैं और हमारी कुकिंग सेव हो जाती है। हमारे राइट काउंटर टॉप के टॉप और बॉटम वाले कैबिनेट ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। अब हम अपने लेफ्ट काउंटर टॉप के बॉटम और टॉप कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। लेफ्ट काउंटर टॉप के बॉटम कैबिनेट्स में यानी लेफ्ट काउंटर टॉप के नीचे जो कैबिनेट्स हैं हम उसमें कुकिंग पॉट्स, पैन, कढ़ाइयाँ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरह कुकिंग के दौरान हमारे सारे पॉट पैन्स हमारे स्टोव या अवन के नज़दीक होंगे और हमें इनका इस्तेमाल करने में बहुत आसानी होगी। लेफ़्ट काउंटर टॉप के टॉप कैबिनेट्स में हम दालें वगैरह रख सकते हैं। स्टोव के ऊपर वाले कैबिनेट्स में हमेशा आपको वही चीज़ें रखनी चाहिए जिनका इस्तेमाल कुकिंग के दौरान ना हो। मिसाल के तौर पे हमने ऑयल और घी कंटेनर्स में रखा हुआ है तो हम इन कैबिनेट्स में ऑयल और घी और बहुत सारे पैक आइटम्स रख सकते हैं, मसलन मैक्रोनी, स्पैगेटी, लोबिया वगैरह, जिनका इस्तेमाल हम कुकिंग करने से पहले करते हैं ताकि हमें कुकिंग के दौरान इन कैबिनेट्स को खोलना ना पड़े और हमारी लाइफ को हम सेव रख सकें। अब हम ईस्ट काउंटर टॉप पर आ जाते हैं जो कि हमारा सिंक काउंटर टॉप है। सिंक काउंटर टॉप के नीचे भी चार कैबिनेट्स होते हैं और सिंक काउंटर टॉप के ऊपर भी चार कैबिनेट्स होते हैं। सिंक काउंटर टॉप की राइट साइड पे काफ़ी स्पेस होता है जहां हम बर्तनों का रैक रख सकते हैं। बर्तन धो के उसमें सुखा के वापस सिंक के काउंटर टॉप के ऊपर वाले कैबिनेट में जहां बर्तनों का स्टैंड फिक्स्ड होता है वहां रख सकते हैं। यानी हर चीज़ की एक जगह हो और हर चीज़ अपनी जगह पर हो। हम जब भी कोई नई एक्टिविटी करने लगें तो हमें हर चीज़ अपनी जगह पे मिले। बर्तनों के स्टैंड वाले कैबिनेट्स के साथ भी आपके पास दो कैबिनेट्स हैं जहां आप सर्विंग बोल्स, मिक्सिंग बोल्स और एयर टाइट बॉक्सेस या प्लास्टिक आइटम आसानी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, या वो खाने पीने के बर्तन जिनकी आपको डेली बेसिस पे ज़रूरत हो। ये था हमारा एल शेप मॉडल किचन जिसे हमने सेफ और एक्सेसिबल तरीक़ों से ऑर्गेनाइज किया है। उम्मीद है आपने इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।